ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट होगा, पता चलेगा सबको हाउ गुड आई डू छंदी छेद। मैं ये लग रहा है मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, एकदम पूरा वैसा ही लग रहा है। ये हमारे मोमोज हैं, ये हमारे लौंडे हैं और ये हमारी पाड़ी हो रही है। Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So, आज ये गोपालपुर का सेकंड डे है जहाँ आज हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ से जिरांग यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं, बार बार यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं जिरांग मॉनेस्ट्री, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना 160 किलोमीटर है, राइट? 102 किलोमीटर है, लेकिन हमें जाने के लिए 3 घंटे का राउंड लगेगा। तो देखते हैं, होपफुली वो खुला हो, नहीं तो जनरली आजकल सारी चीजें कोविड की वजह से बंद है। तो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं स्वस्ती पाम रिजॉर्ट से, लेट्स गो। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया। तो अभी हम तीन जिरांग जाने के लिए मैप लगा ही रहे थे, तो हमें पता चला कि वहाँ लिखा था गूगल पे कि जिरांग संडे को क्लोज रहता है, और हमारा मूड हो गया खराब। हम अब सोचे क्या करना है। फिर हम, मेरा एक दोस्त यहाँ पे रहता है आशुतोष, जो पिछले वाले ब्लॉग में भी था, आप लोग उसको देखे होंगे, तो उसको मैंने फ़ोन किया, वो यहीं पर रहता है बरमपुर में। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिरांग संडे खुला रहता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिरांग खुला है या नहीं। 100 किलोमीटर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट होगा, पता चलेगा सबको कि संडे जिरांग खुला रहता है या नहीं। गूगल में अपडेट कर देंगे, गूगल में हम अपडेट करेंगे। बकायदा हम सुंदर पिचाई को ईमेल डालेंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हो बच्चों में तुम, बस और सब कुछ सही है। सो ऑलराइट, तो वो ब्यूटीफुल व्यू के बाद हम लोग यहाँ पे अभी तप्त पानी के लिए रुके हैं, जो कि है तप्त पानी हॉट स्प्रिंग। तप्त पानी नाम में पता चलता है, तपता हुआ पानी, राइट? यस। सी हाउ गुड आई डू छंदी छेद, हिंदी क्लासेस में पढ़ा था मैं बचपन में। एक मंदिर है आई थिंक उसके अंदर है ना, देखते हैं चलो। बेसिकली वो था एंट्रेंस था, वहाँ से आप आओगे साइड में, यहाँ से आके ये आपको मिलता है हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे ये बबल्स दिख रहा होगा, देखो ये है हॉट स्प्रिंग, मस्त लग रहा है यार, कितना क्लियर वाटर है ना, बहुत अच्छा है। अगर वो शायद वहाँ पे थोड़ा पिकनिक विकनिक बनाने का स्पॉट वगैरह है आई गेस, है ना। चलो ठीक है, इतना ही है, चारों ओर ग्रीनरी काफ़ी सुंदर है, नहीं? अच्छा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं है हॉट स्प्रिंग में, बस यही है यहाँ पे, ये है मंदिर है। चलो चला जाए फिर। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग मॉनेस्ट्री पहुँच चुके हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये शायद खुला हुआ है। पीछे आप बैकग्राउंड भी दिख रहे हो, कितना सुंदर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो मेन चीज़ जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे एक्चुअली छोटे छोटे बहुत सारे जगह है जहाँ पर मॉनेस्ट्री का है, जैसे ये एक पार्ट है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एड इसके आगे फिर और भी बहुत कुछ है। अंदर चल के देखते हैं कैसा लग रहा है, लेट्स गो। वाओ, एक चीज़ अच्छा हुआ कि ये संडे को खुला है। सो हम लोगों को भाई गूगल पे अपडेट करना होगा कि संडे खुला रहता है जिरांग, तो ये संडे को खुला था, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके भी रखा गया है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ एक्चुअली आने वाला जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब अलग लेवल, मज़ा आ जाता है एकदम। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मेन बिल्डिंग जो इसका है। एक्चुअली हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है, हम लोग यहाँ पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा, इसलिए अब हमें जल्दी जल्दी भागना है क्योंकि हमें शाम तक भुवनेश्वरी पहुँचना है।
तो हम लोग अभी मेन बिल्डिंग के पास आ चुके हैं और पहले जी जहाँ पे गए थे हम लोग उससे ज़्यादा दूर नहीं, उससे बस थोड़ा सा आगे आप आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक लेक दिखेगा, जो कि लेक वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो लेक है, उससे थोड़ा और आगे आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मेन बिल्डिंग, इनका अंदर है पार्किंग, यहाँ करना होता है एंड फिर चल के जाना होगा। वो रोड भी मस्त एकदम वहाँ पे एकदम बढ़िया बना रखे, और अभी भी वहाँ पे एक्चुअली ये लेक के साइड में अभी और भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो ये वो कंस्ट्रक्शन पे साइड में बेंच वेंच लगा रहे हैं लेक के एकदम, और लेक के बीचों बीच एक क्या स्टैचू टाइप का कुछ बनाया गया है, मतलब कौन सा स्टैचू अभी ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मैं, बन रही है अभी तो वो बन जाएगा तो वो भी बहुत बढ़िया, शाम को वहाँ पे बैठने के लिए वो बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। चल के देखते हैं अंदर कैसा रहता है, एंड हमने ज़्यादा टाइम आज वहाँ पे मतलब अंदर ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। मस्त भाई, कितना सुंदर लग रहा है, सोने का बना हुआ है ऐसा लग रहा है, वो जी नहीं येल्लो येल्लो कलर बहुत सुंदर है भाई। ये जो मॉनेस्ट्री है ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है राइट ना, एंड ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, दलाई लामा ने इसे इस्टेब्लिश किया था, एंड अंदर तो बहुत ही खूबसूरत था, अभी हम लोग अंदर गए थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अंदर, और अंदर एक्चुअली वीडियो अलाउड नहीं था। तो ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे ये मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, उनके रहने का जगह है, और ये है वो मेन टेम्पल, उस तरफ भी रहने का जगह है, एंड वहाँ पर इस पूरे मतलब इस एरिया के बाहर एक फूड कोर्ट भी है, तो वहाँ पे खाना वाना भी खा सकते हैं, नूडल्स वगैरह मिलता है हम लोग को जैसा उस पार्किंग वाले ने बताया था, देखते हैं हम लोग भी शायद मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे खाएंगे। एक्चुअली हमारे पास कैश कम है और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आई गेस नहीं होता है, तो देखते हैं क्या होता है, वहाँ चल के बताता हूँ। ये जगह तो मेरे को बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये ओडिशा में, ये लग रहा है मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, एकदम पूरा वैसा ही लग रहा है। तो वो अंदर जो हम लोग टेम्पल के अंदर गए थे वहाँ पर मॉन्क्स मेडिटेट कर रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। यहाँ उनके खेलने के लिए फुटबॉल फील्ड भी है, मस्त है ये देख भाई, फुटबॉल फील्ड भी है यहाँ पे, सही है। ऑलराइट, तो अब हमारा यहाँ पे घूम के हो गया, हम जा रहे हैं वापस। यहाँ बाहर जो फूड कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर वो कार्ड पेमेंट ले रहे होंगे या फिर UPI पेमेंट तो हम वहाँ खाना खा लेंगे, एंड उसके बाद फटाफट निकलेंगे। 4 बज गया, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा था जो कि इस मंदिर के बाहर है, तो वहाँ पे UPI पेमेंट है, पेटीएम है ना राइट इनका, तो हम लोग यहाँ खाने के लिए आ गए, और इनके पास बस मोमोज था, नूडल्स था, और क्या था एक आइटम, थुपका, वो पता नहीं हमें क्या था, तो हम लोग सेफ साइड के लिए मोमोज पे गए हैं राइट, ज़्यादा फ्राइड व्राइड भी नहीं रहेगा, एंड सिर्फ ओनली वेजिटेरियन ही है रेस्टोरेंट, और एक पीस एक प्लेट मोमोज में 10 पीस मोमो हैं, हम लोगों ने 2 प्लेट मंगा लिया है, एंड तो एक बार मोमोज आता है तो मैं आप लोगों को मोमोज दिखाता हूँ कि कैसा है वो। तो मोमोज आ गया हमारा 2 प्लेट, अच्छा दिख रहा है, ये चिली है हमारा, और यहाँ पे मेयोनीज नहीं देते हैं वो लोग, ये हमारे मोमोज है, ये हमारे लौंडे हैं, और ये हमारी पाड़ी हो रही है। ऑलराइट, तो हमारा मोमोज वोमोज हो गया, कैसा लगा तुम लोगों को मोमोज? बढ़िया था, बढ़िया था, टेस्टी था। हाँ, मेरे को लग रहा था एक्चुअली कि पालक वालक डाल के उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट बहुत टेस्टी था उसमें, उसमें क्या कहता, पालक था, आलू था, आलू और चीज़ सब्जी, तो काफ़ी बढ़िया था मोमोज यहाँ। चलो चलो चलो, लैम्बोर्गिनी निकालो। ऑलराइट, सो मॉनेस्ट्री के बाद हम लोग डायरेक्ट गए थे बरमपुर, वहाँ से हम लोगों ने उसको पिक किया क्योंकि ये वहाँ अपने रिलेटिव के घर गया था, और अभी 10:40 हो रहा है, हम लोग यहाँ आए थे इस ढाबा में खाने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी हम लोगों को, एंड यहाँ से अब हम लोग को डायरेक्ट हम लोगों को घर जाना है, बहुत लेट हो जाएगा हम लोग का, बहुत से बहुत 12 बज जाएगा, चलते हैं, और ये वीडियो आज का बस यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अब घर जाऊँगा, घर में डांट खाऊँगा क्योंकि मैं बोला था मैं शाम को 5-6 बजे तक आ जाऊँगा जो कि लेट हो चुका है,
एंड फन फैक्ट ये है, फन फैक्ट ये है कि मम्मी बोली थी कि नहीं तू दो 5 बजे बोल रहा है लेकिन तू आएगा 12 बजे, और मैं 12 बजे ही जा रहा हूँ। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं, ऐसे इधर उधर आलतू फालतू वीडियोज़ को देखते हो उसके सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, ठीक है कोई बात नहीं। Subscribe to his channel. Yes, thank you so much. Bahut mehnat kiya hai. Bahut mehnat kiya hai. Itna mehnat to yogi nath ji bhi nahi karte. Chalo, milte hain aap logon se next video mein. Adios. Life is stage and sleepless nights so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it.